नमस्ते व्यूअर्स, आज आपके सामने मेरे इस वीडियो में मेरा जो सबसे कहते हैं ना, हर एक जो टीचर बनना चाहता है इंसान, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम होता है नेट का एग्जाम, यानी नेट एग्जाम पैटर्न। आज जो मैं बात करूंगा वो है नेट एग्जाम पैटर्न के बारे में, क्योंकि बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन है कि एग्जैक्टली नेट के लिए हम क्या पढ़ें, कितना पढ़ें और इसमें क्या क्या पूछा जाता है उसके बारे में बताऊंगा, और क्या क्या एरिया कवर करते हैं वो भी आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नेट एग्जाम यानी नेट का फुल फॉर्म है, आई थिंक जो नेट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जून में एग्जाम भी है हम लोग का नेट का, मैं खुद भी देने वाला हूं, तो नेट का फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लिया जाए और फिर इसके पैटर्न के बारे में आपको बताऊंगा। तो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट ये वो एग्जाम है जिस इस सर्टिफिकेट को लेने के बाद हर वो बंदा जो कि मास्टर्स कर चुका है अपनी अपनी फील्ड्स में, वो किसी भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ, अगर वो जेआरएफ क्लियर कर लेता है इस एग्जाम के थ्रू, तो उसे एज ए रिसर्चर वहां एनरोल कराया जाता है और उसको कहते ना फेलोशिप मिलती है यूजीसी की तरफ से, जो कि शायद 40,000 प्लस में है मेरे ख्याल से जो रिविजन हुआ था, और भी इसमें कई प्रोविजंस हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आज आपको नेट के बारे में बहुत कुछ बताना है, और जो जो पहली बार नेट दे रहे हैं, जो कि फर्स्ट टाइमर है, उनके लिए तो बहुत जरूरी है इस मतलब इस पर्टिकुलर पैटर्न को देखना और समझने का। तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताता हूं। सबसे पहली चीज कि नेट एग्जाम एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है, ना कि कोई श्योरिटी है नौकरी की, यानी अगर आपको किसी हाई लेवल इंस्टीट्यूट में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर या टीचर के थ्रू अपॉइंट होना है तो आपको नेट एग्जाम क्लियर करना बहुत जरूरी है, ठीक है। बिना इसके आप एज ए टीचर वहां अपॉइंट नहीं हो सकते। हाँ, प्राइवेट कोचिंग में आप पढ़ा सकते हो, अपना प्राइवेट ट्यूशन दे सकते हो, लेकिन एज अ गवर्नमेंट टीचर यानी जैसे यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेवल पे, वहां पे आप नहीं जा सकते जब तक आपके पास ये ना हो, यानी नेट एग्जाम की सर्टिफिकेट आपके नाम पे ना हो, ठीक। दूसरी चीज, इसमें अगर आप जेआरएफ क्लियर कर लेते हैं तो उसमें आपको फेलोशिप मिलती है, यानी रिसर्च करने के लिए यूजीसी आपको पैसे देता है कि आप अपनी रिसर्च कंप्लीट कीजिए, सबमिट कीजिए थीसिस, और फिर डॉक्टर एक्स वाई जेड जो भी है उसका नाम के आगे डॉक्टर लिखने का राइट मिल जाता है, और भी बहुत चीजें हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं नेट एग्जाम का पहले पैटर्न और फिर उसके आगे और बात करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज, नेट एग्जाम स्टार्टिंग कब से हुई इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी। तो आज मैं जो एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो है नेट का पहला पैटर्न। एक्चुअली अब तक मैं नेट के तीन पैटर्न बन चुके हैं, स्टार्टिंग हुई थी जिस पैटर्न से उसको इंट्रोड्यूस करूंगा, फिर जिसमें कंटिन्यू एक्शन होता गया उससे इंट्रोड्यूस करूंगा, और फिर अभी जो करंट पैटर्न चल रहा है और इसे कौन कंडक्ट करवा रहा है इसके बारे में भी बताना है, और तैयारी कैसे करनी है वो भी बताऊंगा, क्योंकि मैं खुद भी वो सारी चीजें फॉलो करता हूँ। हाँ, अनफॉर्चुनेटली मेरा एक दो नंबर से रुक जाता है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, जो भी है आई विल ट्राई माय बेस्ट कि इसको जल्द से जल्द क्लियर करूं। तो लेकिन आप लोग को मतलब मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं उनके थ्रू आपको अच्छे से अच्छे गाइड करूंगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए हुए इसके बारे में इसका सारा पैटर्न। तो दोस्तों, अब बात करते हैं नेट एग्जाम के फर्स्ट पैटर्न की, जो की शुरुआत हुई थी जिसकी 1980 से 2010 तक ये फॉलो हुआ था, यानी लगभग 30 साल यही पैटर्न आपका फॉलो किया गया, लेकिन उसके बाद उसमें चेंजेस किए गए। तो सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं, और हाँ, आप ये सोच रहे हो कि मैंने सीधे पैटर्न उठा के बात कर ली, मैंने सिलेबस भी नहीं दिखा। सिलेबस आपको मिलेगा मेरे, जब मैं तीनों पैटर्न जब डिस्कस कर लूंगा तब आपको मैं सिलेबस दिखाऊंगा। सिलेबस में मैं चाहता हूं कि मैं दोनों सिलेबस दिखा दूं, कॉमर्स वालों का भी सिलेबस दिखाऊं और मैनेजमेंट वालों का भी सिलेबस दिखाऊं, क्योंकि नेट एग्जाम हर एक सब्जेक्ट से किया जा सकता है, जो कि नेट एस्पिरेंट है उन्हें पता होगा कि ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं जिसमें नेट एग्जाम क्लियर ना किया जा सके, मतलब जिसमें नेट एग्जाम कंडक्ट नहीं होता हो। तो मेन है, आप कुछ बताता हूँ, हाँ, कौन सी एजेंसी से कंडक्ट कराती थी ये भी बताना बाकी है, तो उसको मैं लिख देता हूँ ताकि जो एजेंसी उसके लिए वो है ऑथराइज थी उस समय उसके लिए मैं बताना है। तो स्टार्टिंग में यूजीसी ने खुद इसको नेट को कंडक्ट कराया, वो करवाती थी यूजीसी, आप फुल फॉर्म जानते ही होंगे, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। खैर, इतना भी शॉर्ट में नहीं जाऊंगा, पहले पूरा फुल डिटेल देता हूँ, उसके बाद इसे और बात करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पैटर्न का जो मेन था वो ये था कि तीन पेपर्स में डिवाइडेड होता था पूरा एग्जाम, जो लगभग 4 घंटे चलता था,
टोटल 4 घंटे, एक साथ नहीं होता था, थोड़े थोड़े गैप पे होता था। तो सबसे पहली चीज, सबसे पहला पेपर जो था फर्स्ट पेपर, जो कि जनरल पेपर होता था रिसर्च वालों के लिए, उसमें टीचिंग रिसर्च, कंप्यूटर कॉम्प्रिहेंशन और जनरल अवेयरनेस, एजुकेशनल मतलब सॉरी एजुकेशनल एनवायरमेंट, ये सारी चीजें उसमें पूछी जाती थी। मैं तो रैंडम नाम लिया हुआ है अभी, मैं इस अभी मतलब जो दोनों पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड यानी थर्ड सब्जेक्ट पेपर और जनरल पेपर दोनों का सिलेबस आपको दिखाऊंगा, वो भी एकदम प्रिसाइसली दिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, आई विल टीच यू योर एवरीथिंग। तो मेरा पेपर फर्स्ट में आपका जनरल पेपर था, स्टार्टिंग में इसमें 60 क्वेश्चन आते थे, यानी टोटल पेपर फर्स्ट में आपको 10 टॉपिक्स पढ़ने पड़ते थे, तो उस टॉपिक्स के अंदर कई सारे हेड्स थे, वो सारे पढ़ने पड़ते थे, उसमें से टोटल 60 क्वेश्चन उठाए जाते थे, यानी 6 क्वेश्चन हर टॉपिक से, जिसमें से एनी 50 यानी इनमें से कोई भी 50 आपको करने थे, ठीक। और हाँ, हर क्वेश्चन पे 2 नंबर मिलता है, यानी अगर मान लीजिए आपने 50 क्वेश्चन किए तो 50 × 2 कितना हुआ 100, यानी अगर 50 के 50 सही हुए तो आपको 100 नंबर पक्का था, ठीक है। और यही हाल हर जगह होता था, लेकिन हाँ, तो पहला था MCQ 60 क्वेश्चन यानी 120 नंबर, लेकिन 100 ही नंबर करना होता था, तो जनरल पेपर। फिर पेपर सेकंड आपको सब्जेक्ट पेपर होता था, उसमें भी MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते थे, और इस MCQ में 50 क्वेश्चन होते थे जो कि सारे के सारे कंपलसरी होते थे, मतलब 50 से 50 आपको करने, यानी यहाँ भी 50 जबकि 60 था, यहाँ टोटल 50 कंप्लीट थे पूरे करने हैं, और वो सब्जेक्ट पेपर होता था। फिर आई बात पेपर थर्ड की, पेपर थर्ड में आपका जब स्टार्टिंग हुई थी जिस नेट एग्जाम की, तो स्टार्टिंग में वो सब्जेक्टिव पेपर होता था, यानी थ्योरेटिकल होता था, उसमें आपको क्वेश्चन आंसर लिखने होते थे, और उसमें इलेक्टिव ऑप्शनल ग्रुप हुआ करता था कि इनमें से कोई एक पर्टिकुलर आप उठाइए उस। तो अब मेन है, मैंने बताया सेकेंड पेपर के बारे में, अब फिर था थर्ड यानी सब्जेक्टिव, ये पूरा थ्योरेटिकल पेपर होता था, यानी इसमें आपका एक इलेक्टिव ग्रुप यानी ऑप्शन ग्रुप पूछा जाता था, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन दिए जाते थे, और उसमें पूरा आपको जैसे कहते हैं ना एनुअल एग्जामिनेशन होता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या नेहरू ग्राम भारती का, वैसे ही उसमें पूरी कॉपी मिलती थी, उसको लिखना पड़ता था, उसके बेसिस पे आपकी मेरिट डिसाइड होती थी, तो फिर आपको नेट का स्टेटस दिया जाता, यानी कहते हैं ना क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप और GRF व्हाटएवर द रिजल्ट वाज। तो मेन है इसमें 60, 50, 110 और 5 क्वेश्चन इसमें आते थे 115। ये पर्टिकुलर पैटर्न आपका 30 साल चला, यानी 1980 से शुरू हुआ था 2010 तक गया ये नेट एग्जाम का पैटर्न। और फिर देखिए सबसे पहली चीज, पेपर वन उस समय भी जब स्टार्टिंग हुई थी तो 1.5 घंटे का होता था, पेपर सेकंड 1 घंटे 15 मिनट यानी पूरा 1.25 घंटा चलता था, और पेपर थर्ड भी 1.25 घंटा ही चलता था, क्योंकि उसमें लिखना पड़ता था 5 क्वेश्चन आपको। तो ये था पूरा पैटर्न, जो कि पहले जो फर्स्ट पैटर्न था फॉलो हुआ था उसके बेसिस था, और जो एजेंसी से करवाती थी वो थी UGC नेट, खुद करवाता था, यानी UGC नेट ने किसी को दिया नहीं था, इसने खुद करवाया और रिजल्ट क्लियर करवाया, लोगों ने नेट किया भी। तो मैं सिर्फ इतना था, ये पेपर आप मतलब ये जो पर्टिकुलर नेट का एग्जाम था उस समय पेन पेपर टेस्ट हुआ करता था, यानी यानी क्वेश्चन बुकलेट मिलती थी और OMR शीट मिलती थी, और फिर उसमें आपको कहते ना सर्कल ब्लैकनिंग यानी गोल्डन रंगाई करनी पड़ती थी, और फिर जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं उसका जो आंसर आपको सही पता है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर के नीचे जहां OMR शीट में उसके ठीक सामने वाला सर्कल आपको ब्लैक करना होता था, ठीक। लेकिन इसमें आपको कॉपी लिखने के लिए दी जाती थी अलॉन्ग विद क्वेश्चन बुकलेट। तो यहाँ पे OMR, यहाँ भी OMR, लेकिन यहाँ सब्जेक्टिव पेपर, ठीक। तो मेन है कि यहाँ पे मतलब टाइम ड्यूरेशन वही था 2.5 और 1.5 घंटे यानी टोटल 4 घंटे का एग्जाम, और इसमें बस फायदा यही है कि जो भाई जो बंदा डीप पढ़ता था उसे ऑब्जेक्टिव क्लियर होते थे, यानी वो मल्टीपल चॉइस कर ले जाता था, लेकिन जिसकी कमांड नहीं थी वो इससे स्कोर कर लेता था, यानी सब्जेक्टिव पार्ट से स्कोर कर ले जाता था। तो ये था पहला पैटर्न। मेरे पास अभी सिलेबस इसका कंप्लीट यानी उस फॉर्म में नहीं है, प्रिसाइज फॉर्म में नहीं कि मैं आपको दिखा सकूं, तो मेरा टारगेट ये है कि इन तीनों पैटर्न को बताने के बाद आपको जो मैंने पहले कहा कि एग्जामिनेशन पैटर्न के बाद आपको सिलेबस भी दिखाऊंगा, वो भी प्रॉपरली दिखाऊंगा, ठीक, एकदम प्रिसाइसली दिखाऊंगा। तो ये था पहला पैटर्न नेट एग्जाम का, आई थिंक आपको ये क्लियर भी होगा। एक चीज का ध्यान रखिएगा, 2-3 चीजें इसमें टेक्निकल है। पहला कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता था, जो मैंने भी आपको दिखाया भी था, ये 2 नंबर का एक क्वेश्चन था, ठीक।
लेकिन जहां सब्जेक्टिव मामला था वहां दो नंबर वाला मामला नहीं था, वहां पे स्कोरिंग जो है जैसे लॉन्ग या शॉर्ट आंसर टाइप की स्कोरिंग होती थी वैसे स्कोरिंग की जाती थी, लेकिन यहाँ पे सही तो सही वरना गलत तो गलत। एक फायदा और है नेट एग्जाम के, क्योंकि इसमें हर साल मतलब हर अटेम्प्ट में लाखों एप्लीकेशन आती हैं, वो एक ही है कि नेट एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ठीक, गलत हुआ तो ठीक है, अगर आपने गेस भी मारा है तो अगर गेस सही हुआ तो नंबर मिल जाते थे, गेस गलत हुआ तो गया मतलब क्वेश्चन ही गलत हो गया। तो इसमें एक खतरा बस यही नहीं है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, इसलिए लोग इसको बहुत ज्यादा अप्लाई करते हैं। बस यही, हाँ मैं यहां लिख देता हूं, नो प्रोविजन फॉर नेगेटिव मार्किंग, नो प्रोविजन फॉर नेगेटिव मार्किंग। बस यही इसका एक मेन अट्रैक्शन है कि नेगेटिव मार्किंग ना होने की वजह से इसमें लोग बहुत ज्यादा एप्लीकेशन देते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला पार्ट। जितने भी हो एग्जामिनेशन देने वाले, यानी जितने भी आप हैं नेट एस्पिरेंट्स, इस पर्टिकुलर पैटर्न को आपके लिए ही बना रहा हूं, जरूर देखिए, क्योंकि मैं भी दे चुका हूं और आगे भी देता रहूंगा जब तक मेरा क्लियर नहीं हो जाता। कहते हैं कि एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, तो भाई आप सीखिए मेरे एक्सपीरियंस से, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको अच्छे से अच्छा डिलीवर करने की। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा सेकेंड पैटर्न। ठीक है, उस सेकेंड पैटर्न में और क्या क्या इंप्रूवमेंट और चेंजेस हुए उसके बारे में बताऊंगा। और हाँ, आपके सामने सैंपल पेपर्स भी रखूंगा जो मैंने दिए हैं अटेम्प्ट्स, उनके सैंपल पेपर्स भी रखने बाकी हैं। एक चीज और बताना भूल गया आपको कि इसकी तैयारी के लिए एक तरीका है कि इसकी बुक्स आती हैं, यानी प्रैक्टिस बुक्स आती हैं, प्लस अगर आपको और ज्यादा आइडिया लेना है कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं तो एक तरीका है, आप यूजीसी की साइट पे जाइए, वहां पे लास्ट 10 ईयर्स के पेपर जो कि अटेम्प्टेड है उनको डाउनलोड कर लीजिए पीडीएफ, और अगर आप पीडीएफ पढ़ने में इंटरेस्टेड है तो पीडीएफ कर लीजिए, वरना आपको प्रिंट आउट करवा लीजिए, और प्रिंट आउट करवाने के बाद आप हर दिन या हर तीसरे चौथे दिन में एक सेट सॉल्व करते रहिए, और सॉल्व करने से आपको आइडिया तो मिलेगा ही। मैं ये कॉमर्स और मैनेजमेंट दोनों के लिए बता रहा हूँ, किसी एक फील्ड के लिए नहीं बता रहा हूँ। तो आप सेट सॉल्व कीजिए, जो आप डाउनलोड करेंगे पीडीएफ उसको सॉल्व कीजिए, उससे आपको आइडिया भी मिलेगा, प्लस आपकी स्पीड और एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आज इतने में इसको बंद कर रहा हूं, अगले वीडियो में मिलेंगे नेट के सेकेंड पैटर्न के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।